बैतुल में प्रचलित गोंडी डांस जिसकी झलक आप देख रहे। आखिर ये गोंडी नृत्य इतना पॉपुलर क्यों है? देसी डांस से लेकर हिप हॉप तक कई प्रकार के डांस होते हैं, पर जो हम आपको बता रहे वो एक प्रचलित आदिवासी नृत्य है जिसे आम भाषा में गोंडी डांस कहते हैं। जिसे बड़े प्यार से मिलकर एक साथ नृत्य करते हैं। गोंडी डांस क्यों है इतना खास, क्यों है पॉपुलर, जानेंगे आज इस वीडियो में। उससे पहले मिस्टीरियस इंडिया को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस गोंडी डांस में सर पर रंग बिरंगी लंबी टोपी है, कमर पर घुंघरू और लकड़ी से बने सूखे नारियल के जैसे झुके बंधे हैं और हाथ ढोलकी के साथ मजे से ग्रुप डांस कर रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसा गोंडी डांस देखा है? कमेंट में जरूर बताना। आदिवासी नृत्य की एक अपनी खूबी है जिसके कारण मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आदिवासी क्षेत्र में आज भी प्राचीन काल से चली आ रही सभ्यता को पूरी दृढ़ निष्ठा से आज भी निभा रहे हैं। सेंदूर कलर के वस्त्र पहनकर, कमर में घंटिया बांधकर और सर में मोर के पंख लगाकर नृत्य कर रहे हैं। यह आदिवासी नृत्य सबसे अलग ही होता है जो कि बैतूल जिले में बहुत ही प्रचलित है। गोंडी डांस सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाओं का ग्रुप भी होता है जो कि एक साथ नृत्य करते हैं। गोंडी डांस की एक अपनी पहचान है जिसे अंग्रेजी में सिग्नेचर स्टेप कह सकते हैं, जिसे आप कहीं भी देखकर आसानी से पहचान सकते हो कि ये गोंडी डांस है। गोंडी डांस को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक मिस्टीरियस इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट, जिससे आपको आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।